शाजापुर के सुनेरा में रेलवे अंडरब्रिज का निर्माण किया गया था, जो ग्रामीणों का मुख्य रास्ता है, जो ग्राम को सड़क से जोड़ता है। लेकिन बरसात के चलते रेलवे ब्रिज में पानी भर गया है, जिसकी निकासी नहीं हो पा रही है, जिससे ग्रामीणों एवं राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसका विरोध सुनेरा में देखने को मिला। वहीं रेलवे प्रशासन को बड़ी चुनौती देते हुए ग्रामीणों ने कहा कि यदि कल तक मुख्य गेट नहीं खोला जाता है तो मुख्य गेट तोड़ देंगे, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी रेलवे प्रशासन की होगी। ग्रामीणों ने इसका विरोध एक वर्ष पूर्व में भी किया था, लेकिन आज तक ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान नहीं किया गया है। मुर्दाबाद के नारे लगाए, क्या ऐसी समस्या आ रही है? देखिए, रेलवे प्रशासन को ग्राम सुनेरा में जो अंडर ब्रिज है, इसकी सूचना, जो यहाँ पर पानी भरा जाता है इस अंडर ब्रिज में, इसकी सूचना हमने पहले भी रेलवे डिपार्टमेंट को कर दी थी, और पिछले साल भी हमने इसी विषय को लेकर ज्ञापन दिया था, परंतु रेलवे डिपार्टमेंट के द्वारा किसी भी प्रकार की हमारी समस्या थी उसका समाधान नहीं किया गया। इसके लिए आज ग्राम सुनेरा के जो जितने भी जनता है, हमारे ग्राम सुनेरा के हिंदू मुस्लिम भाई है, बड़े पैमाने पर यहाँ पर इकट्ठा होकर यहाँ पर आज हमने एक आंदोलन के रूप में एक छोटी सी चेतावनी दी है, और आज रेलवे डिपार्टमेंट के जो जिम्मेदार अधिकारी, उनसे चर्चा हुई मेरी, उन्होंने आज शाम तक इसको जो पानी की व्यवस्था, इसके निकासी की व्यवस्था कराने को लिए। दूसरी बात, हमने उनको चेतावनी देते हुए यह कहा है कि पानी की व्यवस्था वाले आप निकालो नहीं निकालो, हम कल की तारीख में ये गेट खोल देंगे, चाहे उसके लिए जनता को भले तो गेट तोड़ना पड़े, रेलवे प्रशासन से भिड़ना पड़े, हम उसके लिए भी तैयार हैं। आपने इसको किसी ज्ञापन का अवगत करवाया किसी? ज्ञापन की सूचना हमने लिखित में अभी जो हमारे रेलवे जोन के मेन अधिकारी हैं उनको हमने दे दी है, और दूसरी बात यह है कि अभी मौखिक रूप से उनसे चर्चा हुई है, और उन्होंने बोला, हमें आश्वासन भी दिया कि आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, परंतु हमने स्पष्ट रूप से ग्राम सुनेरा वालों की तरफ से, सभी की तरफ से हमने चेतावनी दी है कि हम कल की तारीख में अगर आप गेट ये नहीं खोलते हो तो हम ये गेट तोड़ देंगे। क्या नाम आपको? मेरा नाम राजेंद्र सिंह चौखुटिया है, और मैं सुनेरा से। शाजापुर से दिलीप सौराष्ट्र की रिपोर्ट।